प्रिय किसान भाइयों, आज मैं फसलों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा न करके कुछ आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हम लोग दैनिक जीवन में धार्मिक कार्यों में पंच पल्लव का प्रयोग करते हैं, जिसमें बर होता है, पीपर होता है, पाकड़ होता है, आम होता है, गुलर होता है। हम लोग या हमारे पूर्वज इसका पूजन ऐसे ही नहीं करते हैं, इनमें बहुत गुण होता है। आध्यात्मिक जो लाभ पहुंचाते हैं उनके अलावा इनमें औषधीय गुण बहुत होता है, जिसके बारे में शायद आप लोग उतना न जानते हों जितना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें से एक वृक्ष पीपल का है, और पीपल का कितना महत्व है आप जानते ही हैं, आप कहते ही हैं कि ये दिन रात ही ऑक्सीजन छोड़ता है और विषैली गैसों को लेता है। तो किसान भाइयों, पीपल एक बहुत ही और अच्छा औषधीय पौधा है। आजकल प्रदूषण की वजह से श्वास की बीमारी अधिक उम्र के लोगों में ही नहीं, कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए यदि पीपल के छाल के अंदर का भाग लेकर के सुखा लिया जाए और उसका चूर्ण बना करके सेवन किया जाए तो सांस की तकलीफ कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। दमा के मरीजों के लिए भी यह बहुत अच्छी दवा है। दमा के मरीज यदि इनके पत्तों को दूध में उबालकर सेवन करें तो दमा की बीमारी ठीक होने लगती है और ठीक हो जाती है। आज के दौर में आप देख रहे हैं खान पान लोगों का बिगड़ गया है, फास्ट फूड खा रहे हैं और क्या क्या डिब्बा बंद चीज़ें खा रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, कब्जियत रह रही है, गैस बन रहा है। उसके लिए ये पीपल का पत्ता बहुत ही लाभकर है। ताजे पत्तों को लेकर उसका पीस कर रस निकाल लें और सुबह शाम एक एक चम्मच लें तो ये जो पाचन क्रिया है वो ठीक हो जाएगी, पित्त निकल जाएगा, गैस नहीं बनेगी। यदि किसी व्यक्ति को कोई विषैला जंतु काट लिया हो तो चिकित्सक के ना मिलने तक यदि इसके पत्ते का जूस थोड़ा थोड़ा व्यक्ति को पिलाया जाए तो विष का असर कम होता है। अतः यदि किसी को कोई विषैला जंतु काट लिया है और चिकित्सक के मिलने में थोड़ी देरी है तो इसका रस निकाल करके थोड़ा थोड़ा मरीज को पिलाया जा सकता है, जिससे विष का असर कम हो जाएगा। किसान भाइयों, दांतों में यदि किसी के दर्द हो, दांत दर्द कर रहा हो तो पीपल के टहनी का मंजन कर दतुन करने से दांत मजबूत होते हैं, दांत काफ़ी दिनों तक ठीक रहते हैं। पीपल के टहनी से दातुन करना बहुत लाभकर होता है, इससे दांत मजबूत होता है। किसान भाइयों, त्वचा पर खाज हो, खुजली हो, कोई भी चर्म रोग हो तो पीपल के पत्तों को चबाकर खाने से या इसका काढ़ा पीने से चर्म रोग दूर होता है। साथ ही यदि कहीं घाव बना हुआ है और चर्म रोग है तो छाल का मलहम बना लीजिए, पीस करके मलहम बना लीजिए और उस पर लगाइए तो दांत खुजली समाप्त हो जाती है। सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए पत्ते को छाए में सुखाकर और मिश्री के साथ उसका काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। झुर्रियों को निखारने के लिए यदि पीपल के छाल का पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाया जाए या त्वचा पर लगाया जाए
तो झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं, काफ़ी दिनों तक आप नौजवान दिख सकते हैं। कारगर उपाय है। पीपल के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, इनको खाने से, इनके पत्ते को चबाकर खाने से तनाव कम होता है और बुढ़ापा देर से आता है। किसान भाइयों, नक्सीर फूटने पर, जिसे आप विनाश कहते हैं, फूटने पर इसके ताज़े पत्तों के रस को नाक में डालने से नक्सीर में तुरंत लाभ पहुंचता है और इनके पत्तों को यदि मसल के सूंघा जाए तो भी लाभ करता है। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाए तो पीपल के 3-4 पत्तों को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर शरबत बना लें और पीलिया के मरीज को दें। यह शरबत पीलिया को जल्दी ठीक करता है, पीलिया के लिए अच्छी दवा है। पीपल के फलों को, पके फलों को सुखाकर चूर्ण बना लें और इसका सेवन करें तो हकलाने की समस्या दूर होती है। यदि कोई व्यक्ति हकलाता है तो वो ठीक होता है और वाणी ठीक हो जाती है। पके हुए फलों के चूर्ण के साथ शहद मिलाकर लेने से ये अधिक फायदा करता है। इसके फल के चूर्ण को दिन में 2-3 बार दूध से देने पर नपुंसकता दूर होती है। इसके पीपल के बीजों के चूर्ण को मधु के साथ लेने से रक्त की शुद्धि हो जाती है, खून साफ हो जाता है। प्रिय किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पीपल का महत्व आपको समझ में आया होगा, हमारे यहाँ पीपल की क्यों पूजा की जाती है ये आपको और समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को, यदि आपको अच्छा लगा है तो मुझे प्रोत्साहित करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को देखें और दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।